हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम 20 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, टूरिज्म मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट इन। टूरिज्म मिनिस्ट्री कहाँ पे फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करेगी? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। और ये अनाउंस किया है यूनियन मिनिस्टर जो हैं टूरिज्म के, जी किशन रेड्डी, उन्होंने अनाउंस किया है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, और ये ऑर्गेनाइज होगा 17-19 मई 2023 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक एट द ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है? 60, 65, 70, 75। राइट आंसर इज 65। और वाइट शील्ड ये एक पॉलिसी एडवाइजरी फॉर्म है, इसने ये ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स रिलीज़ किया है ड्यूरिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, और इसमें जो टॉप किया है डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे आया है, और स्विट्ज़रलैंड सेकंड, जर्मनी थर्ड, और इंडिया का रैंक है 65। तो टॉप भी याद रखना आप और इंडिया का रैंक भी। हाउ मेनी चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका हैव रीच्ड कुनू नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। कितने चीताज साउथ अफ्रीका से कुनू नेशनल पार्क में लाए गए हैं जो कि मध्य प्रदेश में, कितने चीताज ये इस साल इंडिया ने साउथ अफ्रीका से लाए हैं और इनको कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा? 8 चीताज 10 चीताज 12 चीताज 14 चीताज। राइट आंसर है 12 चीताज। और ये हमने जनवरी में भी डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया ने एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें फरवरी में 12 चीताज इंडिया लाएगा साउथ अफ्रीका से। इन 12 में से 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, और ये इंडिया और साउथ अफ्रीका ने 27 जनवरी को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि ये 12 अफ्रीकन चीताज को एनुअली इंडिया लाया जाएगा नेक्स्ट 8-10 ईयर्स में। मतलब ये 8-10 साल का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें 12 चीताज हर साल इंडिया लाए जाएंगे अफ्रीका से। और लास्ट ईयर भी 8 चीता इंडिया ने लाए थे नमीबिया से, और ये भी कुनू नेशनल पार्क में प्रेजेंट है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन आया भी था JKSSB एग्ज़ाम्स में, तो जो ये इसमें कहाँ से लाए साउथ अफ्रीका भी याद रखना और कितने लाए, और उसके अलावा नेशनल पार्क जो है उसका नाम भी याद रखना और किस स्टेट में ये नेशनल पार्क है, तो ये भी, तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना। इंडियाज फर्स्ट मैरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च इन। इंडिया का फर्स्ट मैरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई, पुडुचेरी, कोलकाता, मुंबई। राइट आंसर इज पुडुचेरी। और पुडुचेरी के साथ साथ लक्षद्वीप को भी सिलेक्ट किया गया है मैरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क के लिए पायलट बेसिस पे, मतलब टेस्ट के लिए पहले ये यूज़ किया जाएगा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में। विच सिटी सेंटर रैंक एज द वर्ल्ड्स सेकंड स्लोवेस्ट सिटी टू ड्राइव इन। कौन सा सिटी सेंटर जो है वर्ल्ड का सेकंड स्लोवेस्ट सिटी है ड्राइव करने के लिए, उसका रैंक वर्ल्ड में स्लोवेस्ट में से सेकंड नंबर पे है कि वहाँ पे ड्राइविंग जो है वो स्लो होती है? टोक्यो, न्यू दिल्ली, शंघाई, बेंगलुरु। राइट आंसर इज बेंगलुरु। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की है टॉम टॉम ने, और बेंगलुरु की जो ट्रैफिक है ये सेकंड स्लोवेस्ट है वर्ल्ड में, और यहाँ पे जो अबाउट हाफ एन आवर लगता है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में बाय रोड। और फर्स्ट पे है लंदन, जहाँ पे एवरेज जो है 36 मिनट 20 सेकंड लगते हैं 10 किलोमीटर को बाय रोड कवर करने में, और बेंगलुरु को 30 मिनट्स लगते हैं। तो फर्स्ट पे है लंदन और सेकंड पे है बेंगलुरु स्लोवेस्ट में से। लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 20th गवर्नर ऑफ विच स्टेट।
लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक को किस स्टेट का 20th गवर्नर अपॉइंट किया गया है, मतलब किस स्टेट के ये नए गवर्नर बने हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आसाम। राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। और ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर बी डी मिश्रा जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एलजी लद्दाख के। तो पहले ये बी डी मिश्रा गवर्नर थे अरुणाचल प्रदेश के। सिक्स्थ फेज ऑफ सुफालम जल अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड इन। सुजालन सुफालम जल अभियान का सिक्स्थ फेज कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इज गुजरात। और ये स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च की है गुजरात की सीएम भूपेंद्र पटेल ने खोरज गांधीनगर में। इसका एम है टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल एंड मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रेन वाटर। और ये फेज जो होगा ये 104 डेज का होगा 17 फरवरी से लेकर 31 मई 2023 तक। तो ये भी याद रखना किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है वाटर, ये रेन वाटर का यूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैटबॉट टू गेट एन आंसर टू द क्वेरीज रिलेटेड टू आधार कार्ड? चैटबॉट का नाम क्या है जो आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेरीज होंगी उनका आंसर देगा? ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है आधार आईडी, आधार सहयोगी, आधार मित्रा, आधार साथी। राइट आंसर इज आधार मित्रा। और इसको लॉन्च किया है UIDAI ने, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने लॉन्च किया है चैटबॉट नेम आधार मित्रा जो लोगों को हेल्प करेगा कि वो आंसर जो उनकी क्वेरीज होंगी आधार कार्ड से रिलेटेड तो वो आंसर इस चैटबॉट से उनको मिलेंगे। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है जो आंसर करेगा रिलेटेड टू द एनरोलमेंट नंबर, पीवीसी कार्ड, ऑर्डर स्टेटस, कंप्लेंट स्टेटस। और ये अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द लॉ टू बैन द सेल ऑफ न्यू गैस एंड डीजल कार्स फ्रॉम। यूरोपियन पार्लियामेंट ने लॉ अप्रूव किया है कि सेल जो होगी न्यू गैस और डीजल कार्स की ये बैन की जाएगी। तो किस ईयर से ये बैन की जाएगी ये डीजल कार्स की और जो नई कार्स होंगी जो मतलब ऑयल बेस्ड होंगी 2027, 2030, 2035, 2040। राइट आंसर इज 2035। और ये मूव है कि ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है उसको कम किया जाए। और ये 2035 याद रखना, उसके बाद बस ये ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए ये स्टेप लिया गया है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव द लॉ टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप? कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया है लॉ जो मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करेगी? और ये फर्स्ट टाइम किसी यूरोपियन कंट्री ने ये लॉ अप्रूव किया है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क। राइट आंसर इज स्पेन। और इससे पहले ये फैसिलिटी मतलब ये अवेलेबल कहाँ पे है? जापान, इंडोनेशिया एंड जम्बिया जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। जापान और इंडोनेशिया एशिया की है और जम्बिया यूरोप की है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट की है। G20 मॉडल मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? G20 मॉडल मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, किस सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में? कोलकाता, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, शिमला। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। और इसकी थीम है यूथ फॉर लाइफ। अर्जुना अवॉर्डी तुलसीदास बलराम पास्ट अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद। अर्जुना अवॉर्डी तुलसीदास बलराम की डेथ हुई है तो ये किस से एसोसिएटेड थे? क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। राइट आंसर इज फुटबॉल। और ये 86 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है और इन्होंने इंडियन नेशनल टीम के लिए खेला है और दो बार ओलंपिक्स भी खेला है 1956 और 1960 में। और अर्जुना अवार्ड इन्होंने रिसीव किया था 1962 में। हु हैज़ इनाग्रेटेड द इफको
नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स इन उत्तर प्रदेश? किसने इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स इनाग्रेट किए हैं उत्तर प्रदेश में? मनसुख मंडाविया, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। राइट आंसर इज मनसुख मंडाविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। और नैनो यूरिया ये एक लिक्विड फॉर्म है नाइट्रोजन की, जो प्रोवाइड करेगी प्लांट को न्यूट्रेंट, और ये अल्टरनेटिव है यूरिया का। हु हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन एज अ प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? किसने वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट की पोस्ट से रिजाइन किया है? किसने रेजिग्नेशन अनाउंस किया है? पारग अग्रवाल, डेविड मालपास, बॉनकी मून, गीता गोपीनाथ। राइट आंसर इज डेविड मालपास, ऑप्शन नंबर बी। हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? किसने रिजाइन किया है चीफ सेलेक्टर की इंडियन क्रिकेट टीम की चीफ सेलेक्टर की पोस्ट से? स्टॉट बिनी, चेतन शर्मा, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली। राइट आंसर इज चेतन शर्मा। इन्होंने कुछ पास में कुछ स्टेटमेंट दिए थे रिलेटेड सिलेक्शन कमेटी और कुछ प्लेयर के जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे, उसके बाद इन पे प्रेशर था बोर्ड का और अब इन्होंने रिजाइन किया। रिसेंटली फर्स्ट सुंदरबंस बर्ड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज इन वेस्ट बंगाल, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वर सीन इन इट? रिसेंटली फर्स्ट सुंदरबंस बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था वेस्ट बंगाल में, तो इसमें से कितनी बर्ड स्पीशीज देखी गई थी, मतलब कितनी बर्ड स्पीशीज थी इस फेस्टिवल में? 130, 145, 175, 200। राइट आंसर इज 145। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था सुंदरबन टाइगर रिजर्व डिवीजन जो था वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे 6 टीम्स ने विजिट किया था डिफरेंट एरियाज से सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू एनेबल लिंकिंग ऑफ रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन UPI? कौन इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है जिसने रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक किया है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक। राइट आंसर इज HDFC बैंक। तो ये फर्स्ट इंडियन प्राइवेट बैंक बने हैं। और इसके अलावा जो MobiKwik है वो फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन बनी है जिसने रुपए क्रेडिट कार्ड्स को ये लिंक किया था UPI से, जो सपोर्ट करेगी रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI पे। तो अगर फिनटेक एप्लीकेशन का पूछा जाएगा तो MobiKwik, और अगर प्राइवेट बैंक का तो HDFC बैंक। विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट? किस कंट्री को इलेक्ट किया गया है 62nd सेशन यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का, जो 62nd सेशन है उसके प्रेजिडेंट के लिए, मतलब किस कंट्री के पास इस सेशन की 62nd सेशन की प्रेजिडेंटशिप होगी? सऊदी अरेबिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। राइट आंसर इज इंडिया। तो ये थे हमारे आज 20 फरवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है वीडियो करंट अफेयर्स जो हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने नियर एंड डियर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।